करणी सेना रक्त शुद्धता, शुद्ध डीएनए, सामंतवाद, राजशाही और उच्च कुल जैसी लोकतंत्र विरोधी बातों की हिमायत करती है। ये लोग मनु स्मृति के आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित पूजा पाठ, कर्मकांड आदि को फॉलो करते हैं, जबकि कोली इस देश के मूल निवासी हैं और उनके पूर्वज प्रकृति को पूजते रहे हैं। कोली समाज जल, नदी, समंदर, पेड़ पौधों और पक्षियों की पूजा करता रहा है। इस लिहाज से करणी सेना के लोग धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी कोली समाज से काफी अलग है। हालांकि ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर और खुद को ऊंची जाति का दिखाने के चक्कर में अब कोली समाज के लोगों ने भी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित पूजा पाठ और कर्मकांड करना शुरू कर दिया है। एक तरफ करणी सेना के लोग कमजोर वर्ग के आरक्षण का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ राजपूतों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। यहां पर भी करणी सेना के साथ कोली समाज का कोई सामंजस्य नहीं बैठता है, क्योंकि कोली समाज के लोग तो पहले से ही एससी और ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जाहिर है, करणी सेना जिन राजपूतों के लिए आरक्षण मांग रही है वो कोली समाज वाले तथा कथित राजपूत तो हो ही नहीं सकते। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिन राजपूतों के लिए आरक्षण मांगा जा रहा है वो कौन है। गौर करिए, ये वही लोग हैं जो हमेशा आपसे ऊपर बैठते आए। जब संगठन का नेतृत्व करने की बात आएगी तब भी सबसे ऊंची कुर्सी पर वही बैठेंगे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में सवर्ण कहा जाता है, और कोली सवर्ण तो कतई नहीं है, ये सबको पता है। करणी सेना के राजपूत कभी छुट भैया अपराधी चतुर सिंह के लिए तो कभी इनामी अपराधी आनंद पाल के लिए आंदोलन करते हैं, तो कभी जोधा अकबर और पद्मावती जैसी फिल्मों को रिलीज होने से रोकते हैं और फिल्मों के नाम पर तोड़फोड़ हिंसा करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोली समाज भी करणी सेना की ऐसी हरकतों में उनके साथ खड़ा है और वो भी इस सब में करणी सेना के साथ शामिल है? जिस संगठन की न्यू ही जातीय अभिमान और आरक्षण विरोध के नाम पर रखी गई है उसके समाजवादी और लोकतांत्रिक होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कुल टाइम्स की रिपोर्ट।